हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज का जो ये वीडियो होगा ये बहुत ही एक सैड वीडियो होगा, क्योंकि इसका टाइटल कह रहा है सुशांत सिंह राजपूत्स डॉग फज मिसिंग हिम एंड वेटिंग फॉर हिम टू कम बैक, इट इज हार्ट ब्रेकिंग टू सी। तो ये टाइटल बहुत ही मतलब उदास टाइटल है, और हम सबको पता है कि जो डॉग्स होते हैं वो मैन के बेस्ट फ्रेंड होते हैं। तो ऑब्वियसली अगर जैसे हमें पता चला था, पहले तो हमें पता ही नहीं था कि उनके पास एक पेट है। हम लोग सोच रहे थे कि काश उनके पास अगर डॉग होता तो शायद वो ये जो स्टेप है वो ना लेते। पर बाद में जब हमने उनके एक दो वीडियोस देखे तो उसमें जब उनके बारे में बताया गया तो पता चला उनके पास एक डॉग भी था। तो उसको सुन के भी हमें बहुत हैरानी हुई कि जो हम सोच रहे थे कि उससे, क्योंकि आपको डॉग से बहुत प्यार मिलेगा, तो जनरली जो डिप्रेस्ड होते हैं अगर उनके पास डॉग हो और उससे प्यार मिल रहा हो तो वो हेल्प करता है वो उदासी को, अपनी डिप्रेशन को हटाने में। पर एक ये भी एक रीजन है जो हम सोचते हैं कि भाई इतने सारे हमारे पॉइंट्स हैं कि लगता है कि भाई ये सुसाइड कैसे है, तो क्वेश्चन मार्क हमारे दिल में और दिमाग में तो जरूर है। पर ये वीडियो डेफिनेटली मतलब बहुत ही उदास वीडियो होगा, और जो डॉग होता है वो अपने मालिक से बहुत प्यार करता है, इसका तो कोई शक है ही नहीं हमें, ना आपको होगा ना हमें होगा। तो फ्रेंड्स चलो देखते हैं ये वीडियो। कहते हैं जो इंसान जानवरों से प्यार करता है वो बहुत नेक दिल इंसान होता है। सुशांत सिंह राजपूत की इस वीडियो को देखकर आपको भी यकीन हो जाएगा कि इस दुनिया से एक नेक इंसान और कम हो गया।
तो फ्रेंड्स, मुझे तो ये वीडियो पसंद नहीं आया. रीजन बीइंग कि एक जो उनका पेट है उसके ऊपर आप वीडियो बना रहे हो, उसको दिखा रहे हो, और सबसे गंदा मुझे ये लग रहा था कि उसको इमोशनल और कर रहे हैं या फोन पे जो है फोटो दिखा दिखा के. ये कोई और ही कोई रख रहा होगा ना सामने जिसने ये वीडियो बनाई है. मुझे ये नहीं पता, कोई घर का ही आदमी होगा. और जैसे लग रहा था घर, मेरे ख्याल से ये जो जहाँ पे सुशांत सिंह रहते थे मुंबई में, वही घर लग रहा है. तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि उनका जो ये डॉग था वो उसके जो पापा हैं या घर वाले थे वो अपने साथ क्यों नहीं लेके गए. बिहार मेरे ख्याल से वो रहते हैं, तो वो क्या यहीं मुंबई में ही रह गया अकेला? क्योंकि मेरे हिसाब से तो जाना चाहिए था साथ में ताकि उनका देखभाल. तो ये कौन कर रहा है देखभाल? जो देखभाल कर रहा है ऐसे लग रहा है उसी ने ये वीडियो बनाई है. तो ऐसी वीडियो क्यों बनाई है आपने? और अगर आपने बनाई है वो दिखाने के लिए कि देखो वो मिस कर रहा है, वो तो ठीक है, पर आप उसको फोन पे उस, पता नहीं, हो सकता है उनका इंटेंशन अच्छा हो और मैं गलत सोच रही हूँ. हो सकता है कि उनको लग रहा हो कि शायद उनकी फोटो दिखा के वो, हो सकता है खाना खा ले, अगर जैसे दिखा रहे थे कि खाना नहीं खा रहा. पर अगर वो बात नहीं और वैसे ही दिखा रहे हैं वीडियो बनाने के लिए तो बहुत ही गलत बात है. क्योंकि जो डॉग होता है ना, जितना अच्छा वो अपने मालिक के लिए जैसे मिस करेगा, सब करेगा, मेरे ख्याल से इंसान भी उस टाइप से, वो भी भूल जाते हैं. पर जो कुत्ता होता है जैसे कहते हैं ना, वो कभी नहीं भूलता. तो पता नहीं मतलब ये ठीक किया कि नहीं किया, बट आई जस्ट होप कि जो इनका ये जो पेट है वो अब ठीक हो और धीरे धीरे भूल जाए उनको. अगर अभी तक घर नहीं लेके गए तो शायद होप करती हूँ कि उनके पापा जो थे सुशांत सिंह के, उनको घर ले आए. क्योंकि जिस तरह से वीडियो में दिखा रहे थे सुशांत सिंह बहुत अटैच थे, जिस तरह से खेलते हुए दिखाया, और सबसे इमोशनल और मतलब दिल को, मतलब वो आपको मतलब बहुत दुख टाइप जो देता है वो वीडियो में, वो होता है जब आप सुशांत सिंह की वीडियो देखते हो कैसे हंसते खेलते. पहले दिखाया कि अपने डॉग के साथ कैसे प्ले कर रहे हैं और कितना प्यार कर रहे हैं, और दूसरा जब लास्ट में दिखाते हैं वो खेल रहे हैं टेबल टेनिस. तो एक इतना एक्टिव, ऐसे लग रहा था कि मतलब आप जब वीडियो देखते हो तो आपको लगता ही नहीं कि वो चले गए हैं, मतलब ही इज नो मोर. पर उसके बाद जब आप वो वीडियो देखते हो फिर आपको रियलाइज होता है कि अब आपने तो न्यूज में पढ़ा है कि अब नहीं रहे. तो मतलब बहुत उस टाइप से झटका लगता है कि एक आप इतना लाइव देख रहे हो और ऊपर से आपको पता चल रहा है उसके बाद आपको रियलाइज हो रहा है कि ही इज नो मोर. तो वीडियोस देखते टाइम इस टाइम ना, और खासकर ऐसी वीडियोस, बहुत ही दुख होता है और बहुत मतलब घबराहट सी भी होती है. पर बस यही प्रे करती हूँ कि उनका जो डॉग है ना, मेरे को लगता है उनका नाम फज लिखा हुआ है तो फज होगा, बहुत प्यारा नाम रहता है, वो जल्दी से ठीक हो जाए. और अब जो उसके पापा है जब उसको ध्यान रखेंगे तो हो सकता है वो उनके पापा के साथ अटैच हो जाए और उनका साथ प्ले करे ऐसे ही, और सब मतलब भूलने की कोशिश करे. पर वीडियो डेफिनेटली बहुत ही मतलब इमोशनल वीडियो था, बहुत दुख देता है. सो काफी इमोशनल वीडियो था. और आपको पता ही है कि डॉग्स को कहते हैं मैन्स बेस्ट फ्रेंड, क्योंकि डॉग बहुत लॉयल होता है और आपसे अटैच हो जाता है. और डॉग्स की नॉर्मली लाइफ ज़्यादा नहीं होती, आई बिलीव 13-14 ईयर्स है. तो जो भी इंसान जिनके पास डॉग्स हैं उनको पता ही होगा कि जब डॉग्स आते हैं अल्टीमेटली जब वो चले जाते हैं तो बहुत ज़बरदस्त दुख होता है. इसीलिए कुछ लोग जो हैं डॉग रखते ही नहीं है. हम भी तो इसलिए नहीं रखते. मैं तो सोच ही नहीं सकती कि एक डॉग मैं रखूं जिसको मैं इतना प्यार करूं एज अ फैमिली मेंबर और वो मेरे सामने चला जाए. हम तो इसीलिए कि हम नहीं रखते कि थोड़े सालों बाद आपको वो डॉग छोड़ के चले जाएगा तो आपको मेजर दुख होगा. और तो वो एक बात है. और कई बार जो होता है कई
फ्रेंड्स हैं हमारे, वो भी कहते हैं हम इसलिए उनके पास डॉग थे, अब वो डॉग रखना बंद कर देते हैं, वो इसलिए रखना बंद करते हैं, कहते हैं कि भैया सुबह जो है हम डॉग को छोड़ते हैं घर पे, सामान खाने का रख के जाते हैं, सारा दिन तो ऑफिस में होते हैं, शाम को आते हैं और फिर मतलब डॉग आपके लिए वेट कर रहा होता है और पूरा दिन जो है डॉग अकेला घूमता रहता है, तो उसकी लाइफ हमने क्या बना रखी है कि पूरे दिन जो है वो उस केस में दोनों हस्बैंड वाइफ काम कर रहे हैं, तो वही कह रहे हैं हम दोनों चले जाते हैं शाम को आते हैं। तो बेसिकली जो डॉग है लोनली है, तो उन्होंने नेक्स्ट डॉग नहीं रखा, बोला कि ऐसी लाइफ डॉग को नहीं चाहिए। वो ठीक है जब वापस आते हैं खेलते कूदते हैं, मगर काफ़ी ड्यूरेशन जो है 8 घंटे डॉग के पास कोई नहीं है तो उसका नहीं है। तो मगर यहाँ पे जो है बहुत ही मतलब बुरा लगा देखकर कि ऑफकोर्स डॉग को तो बुरा लगेगा ही, फील होता है, और जो भी वो कर रहे हैं आई एम श्योर जो भी वीडियो बना रहे हैं वो कंसोल करने की कोशिश कर रहे होंगे डॉग को कि वो शांत हो जाए, खा पी ले। और जहाँ तक मुझे लग रहा है ऑफकोर्स उस डॉग को अबैंडन नहीं करेगा कोई ना कोई, मेरे ख्याल से डेफिनेटली उनके पेरेंट्स अडॉप्ट कर लेंगे उस डॉग को, या फिर उसके फ्रेंड्स होंगे, सुशांत सिंह जी के फ्रेंड्स होंगे आई एम श्योर, कोई ना कोई तो मतलब अडॉप्ट कर लेगा एक पेट को। मगर काफ़ी दुख हुआ देख के, और लास्ट में उन्होंने सीन दिखाया टेबल टेनिस का, तो वही क्वेश्चन रहता है कि जो इंसान इतना खुश था डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में, उस इंसान का जाना बनता नहीं है, उसके ऊपर थोड़ी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, फैक्ट्स के साथ देखना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। भैया मुझे अब ये क्वेश्चन हो रहा है कि जो डॉग है उसको भी तो कुछ पता होगा, अगर ऐसा कुछ फाउल प्ले हुआ तो वो घर में ही था तो उसको, और डॉग्स की सिक्स्थ सेंस तो बहुत होती है, तो हो सकता है अगर इन्वेस्टिगेशन में अगर वो इस एंगल से देखे तो मे बी जो है उनका पेट वो कुछ लाइट डाले इस सिचुएशन में। हाँ, तो ये काफी डिफिकल्ट होता है कि पेट की कोई टेस्टिमनी नहीं हो सकती है, कुछ हो नहीं सकता। डेफिनेटली डॉग जो है एड कर सकते हैं इन्वेस्टिगेशन में, उनको स्मेल दे दीजिए तो स्मेल करके कोई ले आते हैं, तो कुछ टेक्निक्स हैं जो वो डॉग जो है हेल्प कर सकें एक्चुअल कल्प्रिट पकड़ने में, मतलब क्योंकि उनकी सेंस ऑफ स्मेल बहुत स्ट्रांग है, हो सकता है कि कोई घर पे आए और वो ज़बरदस्त बाग कर, जैसे आप कई मूवीज भी बनी है जिनमें देखा होगा कि अगर कल्प्रिट कोई आता तो इमीडिएटली डॉग जो है बार्क करने लग जाता है, मेजर बार्क, उसका सांस फूल रहा होता है मगर बार्क करता रहता है, उस इन्वेस्टिगेटर्स को शक हो जाता है कि कोई पंगा है, तो वो उस इंसान के ऊपर ज़्यादा देखते हैं। डेफिनेटली डॉग्स जो हैं हेल्प कर सकते हैं अपने तरीके से, इंडिकेशन देख कर कुछ ना कुछ, मगर अभी तक जो है प्रोवाइडेड पुलिस उस एंगल से इन्वेस्टिगेशन तो करे, जो मेरे ख्याल से पुलिस करती है क्योंकि जो भी लोग इन्वेस्टिगेटर्स होंगे उनके पास डेफिनेटली वो एजुकेटेड होंगे इन द आर्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सो उनको डेफिनेटली सब एंगल्स चेक करेंगे, तो देखते हैं अभी आगे क्या होता है। डेफिनेटली होप करें पॉजिटिव हो, क्योंकि जैसे जैसे टाइम जाता जा रहा है अगर कोई फाउल प्ले है तो उसके सारे जो है ना सबूत वो भी खत्म होते जाएंगे। पर फ्रेंड्स मतलब ये वीडियो तो देख के बहुत ही, मतलब यही रीजन है कि ऋषि पीछे पड़ा रहता है कि मुझे ना एक डॉग चाहिए, मुझे एक पेट चाहिए, क्योंकि यहाँ हर के घर में होता है, पर हम उसे समझाते रहते हैं कि नहीं भाई, क्योंकि मैं तो एटलीस्ट बिल्कुल नहीं, मैं मुझे नहीं लगता मैं जी पाऊंगी, मतलब पता है कि उनकी लाइफ शॉर्ट होती है, मैं तो वो सह ही नहीं पाऊंगी। पर डेफिनेटली जो डॉग होता है मैन का बेस्ट फ्रेंड होता है, और ये वीडियो भी वही दिखा रहा है। तो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही, टिल देन प्लीज टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।